हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे घर पर बनाए हुए गेहूं के आटे के नूडल्स के उपमा। तो यहाँ पे मैंने घर के नूडल्स है, ये गेहूं के आटे से बने हुए हैं। तो इसका आज मैं उपमा बनाऊंगी, और उसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। एक गाजर लिया है, तो इसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मटर, हरी मटर लिए, ये भी मैंने आधा बाउल लिए। कुछ हरा धनिया, स्प्रिंग अनियन है, करी पत्ते और एक हरी मिर्च मैंने से आधा इंच टुकड़े में कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम सेवैयों को उबाल लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पहले पानी गर्म करने को रखा था। जब पानी उबल जाए तब हम सेवैयाँ उबालेंगे। तो देखिए, पानी उबल गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दो चार तेल की बूंद डालेंगे, जिससे कि हमारे सेवैयाँ थोड़ा अलग अलग पकने लगे। अब इसमें हम सेवैयाँ डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम उबाल देंगे अच्छे से। तो ज़्यादा हमें पकाना नहीं है इसे। जब तक सेवे हमारे उबल रहे तब तक हम बाकी के मसाले भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को छोड़ दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी। अब मैं इसमें गाजर को डाल दूंगी। गाजर को हमको 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें प्याज को डाल दूंगी, इसे भी थोड़ा सा 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी। देखिए, हमारी सेवई अच्छे से उबल चुकी है। देखिए, इस तरह से हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें बाप इसे भाप में भी पकाना है। तो देखिए, इस तरह से हाथों से टुकड़े हो जाए, इस तरह हमें इसे पकाना है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। तो मैंने इसे एक स्ट्रेनर से छान लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूंगी, ताकि ये इसकी जो सेवई है इसके अलग अलग हो जाए आपस में ना चिपके। अब मैं इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दूंगी, ये मैं बताना भूल गई थी। आप अपने पसंद के अनुसार सब्जियां इसमें और ऐड कर सकते हैं। इसमें मटर भी डाल दूंगी। अब मटर को हम 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। मैं गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इसे ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब अगर तीखा पसंद करते तो आप इसमें और मिर्ची ले सकते हैं। तो मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ यहाँ पे। अब मैं इसमें टमाटर केचप डालूंगी, तो इसमें लगभग मैं 2 चम्मच डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगा अच्छे से। अब मैं इसमें नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे, मेरे नूडल्स में भी थोड़ा नमक रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालूंगी। अब गैस की फ्लेम को मैं मीडियम रखूंगी यहाँ पे, इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें सेवई को डालूंगी। तो मैं सेवई को डालते वक्त गैस की फ्लेम को हाई पे रखूंगी, ताकि हमें यहाँ पे फटाफट मिलाना है और हल्के हाथों से मिलाना है। तो देखिए, हमारी सेवई सभी अलग अलग हो चुकी है। अब मैं इसे में हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी इसमें और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रखा है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि भाप में अच्छे से पक जाए। ये देखिए, हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे ये अच्छे से उपमा भी अच्छे से बन गया है। ये देखिए, अब इसे निकाल लेंगे हम। देखिए, हमने यहाँ पे घर के बनाए हुए नूडल से बच्चों के लिए एक हेल्दी सा टिफिन बनाया है। इसे उपमा भी बोला जाता है और नूडल्स भी बोला जाता है।
तो देखिए बहुत ही एकदम टेस्टी बन गए। आप इस तरह से आप जरूर बच्चों को बनाइए। इसमें हमने सब्जियों को बारीक बारीक काट के डाला है। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते उन्हें इस तरह से बारीक चॉप करके भी डाला जाता है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। आप जरूर इस तरह से बच्चों को बना के, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।